बसपा सुप्रीमो मायावती ने पिछले हफ्ते लखनऊ में एक पार्टी की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसी महत्वपूर्ण फैसले में एक फैसला ये भी था, बहन जी ने अपने भाई आनंद कुमार को उपाध्यक्ष पद से हटाकर एक बसपा के युवा नेता को यह पद दिया है। यह वो युवा चेहरा है जिन्होंने काफी समय से बसपा के लिए काम किया और ये काफी जमीनी स्तर से काम करते आए हैं। युवा होने के कारण बहुत सारे लोगों को इनके बारे में बहुत सी बातें नहीं पता है। ये पेशे से वकील हैं, दिल्ली में पले बड़े हैं। 2009 से अपना घर बार त्याग कर पूरी तरह अपने आप को पार्टी के लिए समर्पित कर दिया है। आइए हम बात करते हैं बसपा के नए वाइस प्रेसिडेंट जयप्रकाश जी से। आपको बसपा में आने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने कैसे ये सोचा कि हम मैं बहुजनों के लिए काम करूँगा? मैं एक बार सन 2001-2 में अपने स्कूल से जा रहा था और रास्ते से मैं गुजर रहा था पैदल, तो उस समय शायद धर्मवीर सिंह अशोक जी दिल्ली के प्रभारी थे बहुजन समाज पार्टी के, तो वो स्पीच कर रहे थे। एक उससे पहले वहाँ पर लोग मदाई लोग खेल दिखाते थे, तो मैं थोड़ा समय वहाँ देता था, 2-4 मिनट का, चलते हुए बच्चा होने के नाते, 17 साल का था, उस माइनर था। तो उसके बाद मैं उस दिन उन्होंने मीटिंग लगा रखी थी, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। मैंने सोचा कि आज कोई बड़ा मंदारी आ गया है, ज़्यादा कुछ बड़े लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन जब मैं नज़दीक पहुँचा तो वहाँ पर वो स्पीच कर रहे थे, तो स्पीच करते समय उन्होंने एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से एक बहुत अच्छी बात बताई थी, तो तब उनकी बात पर लोगों ने ताली बजाई। तो उसी दिन मुझको ये प्रेरणा मिली कि यार ऐसा काम मुझे भी कुछ करना चाहिए कि मेरी बातों से लोग खुश होकर के उनको लाभ भी हो, फिर मुझे मेरे नाम मेरी बात पे कोई ताली बजाया जाए। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली थी। तो फिर मैं लोगों के टच में आता रहा कि भाई ऐसे कैसे बना जाता है ऐसा, तो फिर उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ये बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, ये बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अन्य पार्टियों से हट कर के समाज के लिए, देश के उत्थान के लिए ऐसे काम करती है, सबसे ट्रैक से हट कर काम करती है। तो उसी दिन मैंने अपने आप में ये कमिटमेंट किया कि मुझे इसी फील्ड में अपना जीवन जो है वो लगाना है, इसलिए मैं आया। सर आपने बचपन के बारे में बताइए कि आपका जीवन बचपन में कैसा रहा? ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है जो अभी तक कोई पूछ नहीं पाया, क्योंकि ऐसा मैं दाद देता हूँ कि आपने कैसे इस बात को पकड़ लिया, कोई नहीं पूछ पाया मुझसे। ये मैं बताना चाहता हूँ इसमें कि ऐसा होता है कि कुछ लक्षण आदमी के अंदर बचपन से होते हैं। जैसे कि मैं छोटा था, 3री-4थी क्लास में था, तो पढ़ने में कोई खास एडवांस नहीं था मैं, लेकिन ठीक था, मीडियम टाइप का था। तो टीचर लोग उसको बनाते थे मॉनिटर जो अच्छे पढ़ने में अच्छे लड़के होते थे, लेकिन जो पढ़ने में अच्छे वाले लोग होते थे उनसे बच्चे चुप नहीं होते थे। तो मान लो टीचर निकल गया, डंडी दे दी टीचर उसके मॉनिटर के हाथ में, तो उससे चुप नहीं होते थे। तो मैं उससे डंडी छीन लिया करता था और मैं कहता था भाई तुझ पे चुप नहीं होएंगे, तू बैठ जा, मैं मॉनिटर हूँ, तू मॉनिटर के लायक नहीं है, मैं हूँ मॉनिटर, मैं चुप करूँगा। मैं एक दहाड़ मारता था, मेरे खड़े होते ही पूरी क्लास चुप हो जाती थी। तो मुझे कुछ कुछ ऐसा लगता था, बड़ा अभी मुझे ऐसा लगा कि शायद ये लक्षण कुछ लीडरशिप का मेरे अंदर कुछ बचपन से ही था। तो ये मेरा बचपन के बारे में जो आपने बताया, ये लक्षण था मेरे अंदर बचपन से ही कुछ कुछ। कभी कभी पिताजी हमारे लोग पंचायत में जाते थे तो वो कहते थे भाई बहुत अच्छी बात कही है मास्टर जी ने, मेरे पिताजी भी टीचर हैं तो उनको बहुत अच्छी बात कही है। तो मैं सोचता था मैं यार इनकी बात पर तारीफ कर रहे हैं लोग बाग, मैं ऐसा कब बनूंगा कि मेरी बात पर लोग तारीफ करें। तो कुछ कुछ ऐसा गुण था बचपन से ही। सर आप ये बताइए, आपने परिवार के बारे में बताइए कि आपका परिवार, जब आप घर से जुड़े हुए थे तो आप अपना कैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे कब, उस टाइम में और अब में क्या डिफरेंस है जब आपने अपना घर छोड़ा पार्टी के लिए? हाँ देखिए, ये भी बात आपने अच्छी पूछी है कि मैं, अब मेरे जो पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं हमारा घर काफ़ी बड़ा है वैसे तो, लेकिन मैंने कभी अपने घर के अंदर कभी खाना नहीं खाया था। घर के बाहर एक छोटी सी सपील सी निकली होती है, छोटा सा 1.5 फुट का स्पेस सा, उस पर बैठ कर के मैं हमेशा खाना खाया करता था। तो लोग मुझसे ये कहते थे कि भाई तू अंदर क्यों नहीं बैठ कर खाना खाता, तो मैं कहता था यार मेरा मन ही नहीं लगता इसमें, मेरे को दिल ही नहीं लगता, लगता है जैसे मेरा घर ही नहीं है ये। उस प्रकार से मैं चलता रहा। फिर 2009 में, जब 2001-2 में मैं इस फील्ड में जुड़ा तो मैं चलता रहा। फिर 2009 में मैंने एक दिन ये डिसाइड किया, क्योंकि उस बीच में मेरे पास गाड़ी भी हो गई थी, तो उस बीच में फिर मैं लेट सेट पहुंचता था, क्योंकि शुरू में मेरी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी, आगे जाके धीरे फिर लोगों ने मेरी ज़्यादा मीटिंग हम लोग लगाने लग गए, अटेंड करने लग गए, तो मैं लेट होने लगा। तो रात को 2 बजे 1 बजे पहुंचना,
तो मम्मी पापा वगैरह दरवाज़ा खोलते थे तो वो ये कहते थे कि एक तो तू कुछ करता धरता नहीं है, हमारे हिसाब से चलता नहीं है, ऊपर से रात को आकर के हमारी नींद ख़राब करता है, तू इससे अच्छा तो ना होता तो ही ठीक था। तो मैं इस ऐसी फ्राक्सी में घूम रहा था एक तरीके से देखा जाए कि ये मुझे धुतकार दें। फिर मैंने 2009 में अपना कमरा मैंने दिल्ली में जो बिल्कुल खोड़ा कॉलोनी जो मेरा पापा का जो घर था मम्मी पापा का उसके 1.5-2 किलोमीटर दिल्ली उसमें ही टच करता है वहाँ पे मैंने कमरा किराए पे लिया। वहाँ पे भी मैंने बाम सेफ के साथियों से अपने दोस्तों से बातचीत करी कि भाई देखो मैंने ऐसे ऐसे घर छोड़ दिया है। तो कुछ लोगों ने कहा कि तुझे घर वापस चला जाना चाहिए, ये कोई पक्का तो है नहीं इस फील्ड में वो ना। मैंने कहा भाई मैंने अब घर छोड़ दिया, चाहे मैं भूखा मर जाऊँ चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े अब मैं इसी फील्ड में रहूँगा, और कभी तो मौका मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं बहन जी जान पाएंगी, लेकिन मुझे इस बात से सेटिस्फेक्शन है कि मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए उस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ जो देश को बचाना चाहती है। सर जैसा कि आपने बोला आपने घर छोड़ा, तो जिस टाइम आपने घर छोड़ा था उस टाइम आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी, आपने कहाँ तक पढ़ाई की थी, और उसके अपने शिक्षा के बारे में बताइए, उसके बाद आपने कैसे संघर्ष करके। मैंने LLB को कम्प्लीट कर लिया था उस समय, फिर बाहर रह करके मैंने LLM कम्प्लीट करी अपनी, और उसके बाद में मैंने LLD जो PhD होती है उसमें भी मैंने सिनॉप्सिस वगैरह जमा किया। उसके बाद फिर माननीय तोमर साहब ने मुझे बहन जी के सामने पेश करके फिर वहाँ पर मेरी वो होगी। फिर मैंने सोचा कि मैं अब पढ़ाई अब इसको स्टॉप करता हूँ क्योंकि मुझे इस फील्ड में सफलता प्राप्त करनी थी और इस फील्ड में अब चांस हैं, तो मुझे अपने आप को योग्य प्रूफ करने के लिए या इस लायक प्रूफ करने के लिए जो मैंने रिकमेंडेशन कराई थी लोगों से तोमर साहब से, या मुझे काफ़ी लोगों ने मेरा साथ दिया, इसमें दिनेश गौतम हैं, राम बाबू गुरु जी हैं, और अनिल सागर हैं, और अनूप भाई हैं, ऐसे काफ़ी लोग थे ऐसे जिन्होंने मेरा साथ दिया था। तो फिर मैं इधर आकर के फिर मैंने उसको स्टॉप कर दिया, अब मैं 24 घंटे केवल पार्टी का काम करता हूँ। मेरे घर में बाबा साहब की फ़ोटो तो लगी होती थी लेकिन मेरे घर वाले लोग उसके बारे में जानते नहीं थे, वो सिर्फ इतना मानते थे कि ये हमारे समाज का है, कुछ उसने कुछ हमारे लिए किया है, लेकिन वो जानते नहीं थे। तो लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया तो सबसे पहले मेरे मम्मी पापा मेरे परिवार भाई भाइयों ने विरोध किया, हो सकता है उनको आभास हो गया हो कि इस लाइन में जाने से ये दूर जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि भाई तू ये काम गलत कर रहा है तो इससे तेरा कोई भला होने वाला नहीं है। तो मेरा सबसे पहला विरोध मेरे घर वालों ने ही किया, तो इसलिए एक मेरा घर छोड़ने की सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि मैं विरोध में जी रहा था वहाँ पे, मुझे हमेशा वो मेंटली डिस्टर्ब रखते थे, अब परेशान था भाई हम कुछ करते थे नहीं, इसलिए तो मैं सोचा एक दिन उसको घर छोड़ देते हैं 2009 में। घर तो पिताजी का है, घर पिताजी मेरे मम्मी हैं पापा हैं, दो भाई और हैं, एक भाई एडवोकेट है, एक भाई का अपना मेडिकल स्टोर है, एक मैं हूँ। सर अब बताइए कि आपने जब पहली बार बहन जी से मिला तो आपको कैसा फील हुआ, उनकी उनसे जो बातचीत थी उसके बाद आपको कैसे प्रेरणा मिली ये, और कब पहली बार आप कब मिले थे बहन जी से? मैं जब उत्तर प्रदेश का चुनाव समाप्त हुआ था तो उसके बाद मैं 31 मार्च को मिलाया था तोमर साहब ने, तो ये पिछले साल की है। हाँ पिछले साल जब विधानसभा का चुनाव समाप्त हुआ था यूपी का, क्योंकि यूपी में मुझको काम करने का मौका दिया था तोमर साहब ने कि भाई तुझे मैं चेक कर लेता हूँ, तो मेरे साथियों के साथ में, तो मुझे 31 मार्च को मिलाया गया था बहन जी से। तो मैं कम से कम मैं मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यार, क्योंकि इस बात में चर्चित है बहन जी कि बहुत मुश्किल से वहाँ तक पहुँचते हैं लोग बाग, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर मैंने तोमर साहब को थैंक्स बोला, अपनी टीम को थैंक्स बोला, फिर मैं अपने कमरे पर जा करके लगभग 8-10 मिनट तक तो रोता रहा कि यार मैं इतनी बड़ी शख्सियत से, लोग ये कहते थे कि भाई वो पैसे लेकर के मिलती हैं वैसे नहीं मिलती हैं, आम आदमी से नहीं मिलती है, मेरे पास तो कपड़े भी फटे हुए से थे, ये बहन जी ने बनवाए थे बाद में, ये मेरी चप्पल भी मेरे पास टूटी हुई थी और लोग कोट पैंट पहन गए थे, बहन जी देख रही थी शायद कि भाई ये बेचारा फ़कीर आदमी है, जो भी कुछ होगा बहन जी की निगाह में। तो मैंने फिर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, मैंने अपने आप को जो धन्य महसूस किया, और मैं 8-10 मिनट तक तो अपने कमरे पे रोता रहा। मैं मुझे तो लगता है मैं काफ़ी समय जब से स्टेप बाय स्टेप ये सब होता आ रहा है, अभी भी जो है लगभग 15 मिनट तक मैं रोया। मैंने कई बार अपने सर में हाथ मार के देखा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, इतनी बड़ी पोस्ट, इतना बड़ा सब बहन जी ने जो आशीर्वाद दिया, अपने चरणों में जो जगह दी है, तो मैंने कई बार सर में हाथ मार के देखा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मेरे साथी भी लोग क्या सोचते हैं कि हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे। मेरे पास 17-18 साल का एक्सपीरियंस है, और जैसे कोई गाड़ी
की गति धीरे होती है, किसी दूसरी गाड़ी की गति तेज होती है, तो तेज वाली गति जो होती गाड़ी जो होती है तेज चलने वाली, वो धीरे वाली को थोड़ी देर के बाद पछाड़ देती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने 24 घंटे इस फील्ड में काम किया है। अगर अगर और लोगों के हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास तो 30-35 साल का एक्सपीरियंस बैठेगा, जो अपने परिवार को भी समय देते हैं और पार्टी को भी समय देते हैं, लेकिन मैंने टोटल इसी को समय दिया है। तो इस हिसाब से मेरे पास 18 साल का एक्सपीरियंस तो ये है। ऊपर से मैं तमाम नेताओं के बीच से गुजरा हूँ, तमाम स्टेटों के बीच में मैंने काम किया है, ऑफिशियली अनफन ऑफिशियली सभी प्रकार से। तो उस आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे अब कोई प्रेशर महसूस नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस उम्मीद को लेकर के माने बहन जी ने ये मुझे आशीर्वाद दिया है, अपने चरणों में जगह दी है, मैं एक साल के अंदर ये प्रूफ कर दूंगा कि बहन जी का डिसीजन गलत नहीं था। और अभी मैं 3 महीने में कर दूंगा, एक राउंड में मारने जा रहा हूँ पूरे देश में। उसके बाद में फिर मैं जो इम्पोर्टेंट जो स्टेट है जिससे मैं चुनाव जिनमें हैं इस साल में, जैसे कि आपका राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, और आपका ये आपका मध्य प्रदेश है, इन पर मैं फोकस करूँगा, क्योंकि यहाँ से रिजल्ट लेकर के आना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम लोग फिर प्रूफ करेंगे फिर कि हम कुछ कर सकते हैं। सर, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी जो इन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, आप युवा को कैसे अपने पहले राजस्थान की अगर जैसे राजस्थान के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं कि राजस्थान में तो मैं भी काम करके आया हूँ एक साल, मेरे लिए यही काम दिया था माननीय अशोक साहब ने कि आप यूथ पर काम कीजिए। यूथ पर भी सबसे कठिन जो ज़िला था वो जयपुर था, जो दिल्ली से भी ज़्यादा टाइट जिसको बताया जाता था। तो मैंने वहाँ पर मैंने जयपुर में यूथ पर जाकर के काम किया। यूथ पे मैंने अपने हमारे वाल्मीकि समाज, पहले मैंने एससी समाज पर फोकस किया, अपने वहाँ पर एससी समाज की जो जातियाँ हैं, वाल्मीकि भाई हैं और भी जितनी वहाँ पे चमार बिरादरी की जो उपजातियों के नाम से वहाँ जाना जाती हैं, रैगर है, बलाई है, बुनकर है, जाटव है, मेघवाल हैं, जो सब जातियाँ हैं, इनको खटीक है, पहले मैंने इन पर फोकस किया। उसके बाद फिर मैंने OBC पर फोकस किया। आज आप जाकर के वहाँ पूछ सकते हैं, जिसकी वजह से माननीय अशोक साहब ने बहन जी से कहा था कि यूथ पर बहन जी इसकी अच्छी पकड़ है, ये अच्छा समझा देता है। तो मैंने ये प्रूफ करके दिखाया है, ये बिना प्रूफ के यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। मेरे साथ में जो बहन जी ने जो मुझको यहाँ पर आशीर्वाद दिया है, मैंने राजस्थान में प्रूफ करके दिखाया है कि यूथ पर काम करके और उसको अपनी तरफ पार्टी के साथ जोड़ करके। सर, जैसे कि हम अगर कास्टिज्म की बात करें तो हमारे SC समाज में ही बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं जो एक दूसरे को वोट नहीं देते और एक दूसरे से अलग रहते हैं, तो आप इन पे कैसे दिल्ली या बाकी सब राज्यों में कैसे अपनी पकड़ बनाएंगे या उन्हें एक साथ कैसे लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, आपकी बात जायज है और मैंने इस पर मैंने बहुत केवल अध्ययन ही नहीं किया बल्कि एनालिसिस भी किया है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी को जाति विशेष की पार्टी साबित करने का प्रयास जो कांग्रेस BJP ने किया है, तो उसको हम लोग कैसे उसको झूठा साबित कर पाएँ, इसकी स्ट्रेटजी हमारे पास में अब बन चुकी है, ख़ास तौर से मेरे पास में तो है। मैंने अपने समाज के गरीब समाज के लोगों को जाकर के समझाया कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब बहन जी को जिताने और हराने से नहीं है। किसी पार्टी को वोट देने से, किसी BSP को वोट देने से किसी को हराना जिताना नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य ये होता है कि हम ये प्रूफ करें कि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। अगर आप लोग उस पार्टी अर्थात _ कांग्रेस और BJP को अगर आप वोट कास्ट करते हो जो आपके अधिकारों को छीनना चाहती हैं, अगर उसके बावजूद भी आप उसी पार्टी को वोट देते हो, तो दुश्मन आपका ये समझ जाता है कि भाई इसकी लड़ाई तो लड़ती है बहन मायावती, ये वोट देते हैं कांग्रेस BJP को, इसका मतलब ये समाज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। तो आपको बहुजन समाज पार्टी को, बहन कुमारी मायावती को अपना वोट दे करके ये प्रूफ करना है कि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, ये बात उनके दिमाग में बैठती है। सर, आप ये बताइए, आपने इतने सालों तक 18 साल तक आपने बसपा को टाइम दिया, बहुजन लोगों के साथ इतने समय रहे, तो उन दौरान आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना हुआ? कहीं ऐसा एक समय आया कि आपको लगा नहीं अब मुझसे ये काम नहीं होगा? ऐसा तो मेरे दिमाग में कभी नहीं आया, मेरे शरीर ने तो जवाब दिया। कई बार मैं बहुत नज़दीक पहुँचा, मैं अपने कमरे में मैं बीमार पड़ा रहता था, पैसे भी नहीं होते थे मेरे पास दवाई के लिए, खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, मैं रो तो पड़ता था कभी कभी कि यार बहुत कठिन दौर है, मेरे शरीर मेरा साथ छोड़ता था कि भाई अब तुझे ज़्यादा इधर नहीं देना समय, लेकिन मेरा ये जो मस्तिष्क था इसने मुझसे कभी नहीं कहा, ये मेरा मस्तिष्क क्लियर था कि तुझे एक दिन तुझे सफलता मिलेगी,
तो इसलिए कठिनाई तो बहुत आई, मैं भूखा भी रहा अपने कमरे में। मेरे कमरे का किराया बढ़ जाता था तो मकान मालिक ये भी कहता था कि भाई अब हम तुम्हारा सामान बाहर फेंक देंगे। तो मैं अपने साथी जैसे गुरुजी वगैरह हैं और लोग हमारी टीम है, मैं उनसे कहता था मैं किराया चढ़ गया है, तो ये लोग मुझे इकट्ठा करके फिर देते थे, फिर मेरा हौसला बढ़ता था, फिर मैं चल पड़ता था। इन 18 साल जयप्रकाश जी को आज यहाँ तक लाने में बहुत सारे लोगों का योगदान। हाँ, बहुत लोगों का योगदान है। जैसे मैं यूपी से जब मैं खुड़ा से जब उसमें आया तो मैं सबसे पहले चंद्रवीर खटीक जी के पास में आया था, उन्होंने मुझे बताया कि मिशन कुछ होता है, मैंने कहा भाई क्या होता है बताओ, तो इस तरह से करता हुआ फिर मैं अजीत गौतम जी के पास में गया, अजीत गौतम जी से फिर रामबाबू गुरु जी के पास में आया, फिर दिनेश गौतम के पास आया, सागर के पास आया, ML तोमर साहब के पास आया, उस बीच में अनूप भाई ने हमारे वो बिजनेस मैन थे, उन्होंने हमारी हेल्प करी अपने समाज से थे, तो इस प्रकार से फिर अशोक साहब के पास में पहुंचा, फिर अशोक साहब ने बहन जी से कहा कि बहन जी आप विश्वास कीजिए ये लड़का ठीक है, मुझ पर आप विश्वास कीजिए। तो बहुत लोगों का योगदान है, मेरा तो इसमें ऐसा लगता है कि एक कदम ही चल रहे हैं लेकिन पावर सब इन लोगों की थी। देखिए मैं तो काफ़ी लोगों के बीच से गुजरा हूँ, जैसे कोई स्टूडेंट होता है क्लास में पढ़ता है, 12वीं में पढ़ता है, किसी में पढ़ता है, तो वो अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर से पढ़ता है, वो तो उस हिसाब से उस सब को मिला करके पास होता है। तो बहुत लोग हैं ऐसे तो जिन्होंने मुझे मेरा इस फील्ड में मेरा साथ दिया है। अजीत गौतम जी हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी घुमाया था। तोमर साहब ने मुझको मुझे कोई काउंट नहीं करता था तो उन्होंने फिर मुझको ज़मीन से उठाया कि भाई तू तो तेरे पास 24 घंटे है, तेरे जैसे लड़के की जरूरत है पार्टी को, तो उन्होंने मुझको बहन जी तक पहुंचाया, तो उनको भी मैं रोल मॉडल मान सकता हूं। धर्मी सिंह अशोक साहब, उन्होंने मुझे बताया कि काम करवाया कैसे जाता है कार्यकर्ता से, अब तक तो मैं उनसे पहले ये सीख पाया था कि काम किया कैसे जाता है, लेकिन अशोक साहब ने ये समझाया कि काम करवाया कैसे जाता है। जो मेन आपके पास में काबिलियत होनी चाहिए नेता कार्यकर्ता अच्छा बड़ा कार्यकर्ता बनने की, तो अशोक साहब उसमें रोल मॉडल रहे हैं, तोमर साहब रोल मॉडल रहे हैं। सर आप ये बताइए, जैसे कि मीडिया में या लोगों में हमेशा यह अफवाहें उड़ाई जाती है कि बहन जी हमेशा पैसे लेके टिकट देती है, या बहन जी मतलब बहन जी पे आरोप लगाए जाते हैं कि जिसने पैसे नहीं दिए उसे टिकट नहीं मिला, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बसपा के ऐसे बहुत सारे पिछले साल नेता ने छोड़ दिया और बोला कि बहन जी पैसे मांग रही थी टिकट देने के लिए, तो इसके बारे में आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए ये जो एलिगेशन जो लगाते हैं वे हमारी पार्टी में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो छोड़ के जाते हैं पार्टी को तब वो ऐसा बोलते हैं। उसके जो मैंने समझा है वो इसका कारण ये है कि हमने किसी मान लो अगर मैं प्रभारी हूँ सपोज़ कीजिए, तो मैंने 4 लोगों से पैसे ले लिए कि भाई आर्थिक मदद के लिए हमें मान लीजिए हमें कूपन कटवाने हैं कुछ कटवाने हैं, तो वो पैसा नहीं कह सकते उसका, वो आर्थिक मदद है बहुजन समाज पार्टी के लिए, वो कूपन कटवाने के बगैर सब होता है। तो वो उसके बाद में वो सोचते हैं 4 लोगों से आपने अगर आर्थिक मदद ली है पार्टी की स्पष्ट किया है उसको, तो उसमें से टिकट तो किसी एक का होगा, तो 3 उसको फिर कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, तो वो 3 ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पैसा लेती है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी हमारे नेताओं ने अगर किसी से आर्थिक मदद के नाम पर कुछ लिया है तो उन कैंडिडेटों के पैसे वापस भी किए गए हैं, हम लोगों ने भी हमारे बड़े प्रभारी लोग हैं वो वापस भी करते हैं, लेकिन जो पार्टी छोड़ करके जाते हैं वो इसका ऐसा एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन बाद में फिर वही पार्टी की प्रशंसा भी करते हैं। तमाम ऐसे नेता हैं जो छोड़ कर गए हैं, अभी दूसरी पार्टी में बड़े दमखम के साथ गए थे, जब उनको दिखाई दिया कि वहाँ उनकी दाल गलने वाली नहीं है, तो आज वो उसी दूसरी पार्टी में रह करके बहुजन समाज पार्टी की बहन जी के तारीफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो महसूस करते हैं कि हमने कोई गलती की है पहले। सर आप उन नेताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि दलित नेता हैं, बहुजन नेता और दूसरे पार्टियों में रह रहे हैं और बहुजन लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं? वो तो वही है भाई, आप वो अपने आप को शेर मानते होंगे लेकिन वो शेर सर्कस के हैं, वो पिंजरे में बंधे हुए शेर हैं, उनको वो उनका मालिक उतना ही मांस डालता है, ना तो वो जीवित रह सकें और ना वो मर सकें, उनका खेल चलता रहे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में जो कार्यकर्ता होता है वो जंगल का शेर है। सबसे बड़ी बात यह है, बहुजन समाज पार्टी का कोई भी समाज का मान लीजिए कोई राजपूत समाज से है या हमारे जैसे हमारे राजस्थान में मैं काम करके आया हूँ, वहाँ पे हमारे सैनिक समाज से विधायक हैं, राजपूत समाज से विधायक हैं, वो जितना गरीब समाज के पक्ष में अपनी बात विधानसभा में रखते हैं उतना बहुजन समाज पार्टी का टिकट उनका मजबूत होता है। लेकिन दूसरी पार्टियों में जो हमारे समाज के लोग हमारे समाज के बारे में अगर बात रखते हैं तो उतना ही उनका टिकट कट जाता है। तो वो इस प्रकार से वो सर्कस के शेर हो सकते हैं, अपना कुछ शेर मानते हैं, गुलाम है वो लोग। अब मैं तो ये मानता हूँ
उसमें गलती उनकी कम है, हमारे समाज के जो वोटर जो उनको वोट कास्ट करता है उनकी गलती ज़्यादा है। अगर हम लोग उनको वोट देना बंद कर दें तो वो अपने आप से धर्म से नीचे गिर जाएंगे। तो मेरा तो यही मैसेज है कि भाई अगर ऐसा बात है, ये मरना तो सभी को है एक दिन, तो अपना जो बचा हुआ जीवन है उसको बाबा साहब का जो मोमेंट है वो किसी जाति विशेष का नहीं है, पूरे देश का। मैं तो ये कहता हूँ अगर ये संविधान हमारे हाथ से चला गया तो ब्राह्मण भी दुखी रहेगा, राजपूत भी दुखी रहेगा, जाट गुजर बने हमारे कुर्मी पटेल सभी SC ST OBC सभी लोग दुखी रहेंगे। तो ये किसी जाति विशेष का मूवमेंट नहीं है, तो देश को बचाने का मूवमेंट है। अगर गठबंधन शब्द का आप प्रयोग करते हैं तो माननीय बहन जी ने बार बार कहा है कि हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, एक्सक्लूडिंग BJP, उसको छोड़ के हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें सम्मानजनक सीट मिले, हमारी सीट जो है वो सम्मानजनक हो, ऐसा ना हो जैसे इन महाराष्ट्र के लोगों ने कांग्रेस से समझौता किया था तो एक सीट पे RPI को ले आए थे और 420 पर वो कांग्रेस को ले गए थे, तो वो बेइज्जती वाली बात थी। तो हम लोग से हम समझौता करने के लिए तैयार हैं सभी पार्टी के लिए। माननीय बहन जी का कहना है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, बहन जी का कहना है कि हम करने के लिए तैयार हैं लेकिन सम्मानजनक सीट मिलें। और उसके लिए हम लोगों ने जब हमको माननीय बहन जी ने मुझे उधर राजस्थान में लगाया था तो अशोक साहब के साथ में, तो हमने 100 आदमी सेलेक्ट किए थे कि एक आदमी एक दिन में कम से कम 5 मीटिंग करेगा, तो 5 मीटिंग करेगा तो 100 आदमी की 500 मीटिंग कम से कम हो गई। हम 1 लाख से लेकर के 1.25 लाख लोगों को रोज़ तैयार करते थे, ये कह करके ये कहलवा करके कि भाई तुम दुनिया का ठेका लेना बंद करो, अपने वोट की जिम्मेदारी निभाओ और ये कहना शुरू करो कि कोई दूसरा दे चाहे ना दे, मैं अपना वोट BSP को दूंगा चाहे जीते चाहे हारे। उस बात को लेकर के अभी हमने कुछ दिन पहले रथ यात्रा निकाली थी, रात को 12-12 बजे तक लोग सड़क पर हमारे इंतज़ार करने के लिए खड़े थे। आज वहाँ यूथ सभी समाज का हमने बताया कि भाई यूथ भाइयों दोस्तों, ये बेरोज़गारी की गरीबी की या ये समस्याएँ हैं, आज देश में 96% नौजवान बेरोज़गार घूम रहा है, तो ये गलती इन सत्ताधारी पार्टियों की है। तो वो यूथ आ रहा है, जैसे जाट समाज का यूथ काफ़ी मात्रा में आ रहा है, मीना समाज का यूथ काफ़ी मात्रा में आ रहा है, ऐसे समाज के तो आ ही रहे हैं बहन जी के नाम पे। जब हम शुरू में गए थे अशोक साहब के साथ तो उस समय हमको ऐसा लगता था कि हमारी टक्कर शायद BJP को तो कोई वहाँ वोट देने वाला है नहीं, हमारी टक्कर शायद कांग्रेस से रहेगी। तो हमने फिर जा कर के मीना समाज के लोगों को समझाया जो उधर मूव करने का प्रयास कर रहा था, हमने जाट समाज के लोगों को समझाया क्योंकि BJP सभी हट रहे हैं, तो हमने उनको बताया कि भाई अगर आपको आरक्षण चाहिए, जाट भाइयों आपको आरक्षण चाहिए, सैनी भाइयों आपको भी चाहिए, मीना भाइयों आपको भी चाहिए, तो आप उस पार्टी को वोट क्यों नहीं देते जो आरक्षण की समर्थक है, आप उसको क्यों वोट कास्ट करते हो जो आरक्षण की विरोधी है। आप कांग्रेस के बारे में अगर बात करते हो तो आरक्षण को समाप्त करने का काम शुरुआत जो करी है वो सबसे पहले कांग्रेस ने ही करी है, जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन प्रमोशन का जो बिल था वो सब उसने रोकने का काम किया, और सबसे पहले विरोधी आज इस संविधान को लेकर के बाबा साहब को लेकर के आरक्षण को लेकर के सबसे पहले विरोध तो कांग्रेस ने ही किया शुरू से ही, तो हम उसको क्यों वोट दें भाई। हम तो वहाँ पर इस समय हम लोग काफ़ी अच्छी पोजिशन में हैं। ट्राइंगल तो हम लोगों ने बहुत दिन पहले बना दिया था, अब तो हम लोग आमने सामने भी अगर हमारी टक्कर रहेगी तब भी हम अच्छा रेस्पॉन्स वहाँ पर माननीय बहन जी को वहाँ पर अच्छा रिजल्ट ला के देंगे। हमारी कई बार बातचीत हुई है राजस्थान को लेकर के, माननीय बहन जी ने हमको बुलाया था कि भाई हम अगर कांग्रेस अगर हमसे बात करती है तो हम लोग कितनी सीटों पे हम लोगों को पैक्ट करना चाहिए, तो मैंने कहा मतलब हमारे अशोक साहब ने कहा, मैंने भी उनसे बात करी, मैं कहा साहब अगर हम लोग कम सीटों पर बात रखते हैं तो फिर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी क्योंकि BJP कोई वोट देगा नहीं, हम लोग अपने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ करके हम एटलीस्ट कम से कम बैलेंस ऑफ पावर तो बन सकते हैं। तो बहन जी ने उस बात को स्वीकार किया था कि आपकी बात ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं और हम ऐसा ही करेंगे जैसे आप बोल रहे हो। तो अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है गठबंधन को लेकर के। पहली बात तो यह है कि बहन जी ने युवाओं के बारे में काफ़ी दिन से लगातार बोलती आ रही हैं कि हम 50% युवाओं को हम लोग पार्टी में जगह देंगे। अब अगर आप कहते हैं कि जगह नहीं मिल पाई तो मैं ये तो कह नहीं सकता कि वो किस पार्ट में डिफ़ॉल्ट रहा है, फॉल्ट रहा है किस पार्ट में, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि ऐसा लोगों का कहना है कि भाई जयप्रकाश के आने से यूथ के एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल फ़कीर आदमी है, इतने ना कुछ आदमी को बहन जी ने रिकॉग्नाइज किया है, तो उससे लाभ तो हो रहा है, पूरे देश में मैसेज जा रहा है। और
मेरे चेहरे को देख करके कितने लोग, कितने यूथ आते हैं, ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे वक्तव्य से, मेरी बातचीत से, मेरे कन्विंसिंग से, मेरे व्यवहार से, मेरे काम करने की शैली से मैं यूथ को वास्तव में काफ़ी बड़ी मात्रा में बहुजन समाज पार्टी में जोड़ने का काम करूँगा। आपने देखा होगा अभी कर्नाटक के चुनाव में जो शपथ समारोह था मुख्यमंत्री जी का, स्वामी जी का, कुमार स्वामी जी जो मुख्यमंत्री जो भी बने हैं उनका जो भी नाम है, तो उन्होंने देखा होगा उस मंच पे माननीय बहन जी को बीच में लिया गया है। बीच में लेने का मतलब है कि सभी ने बहन जी को स्वीकार कर लिया। बीच में लेने का मतलब यही होता है कि वो मेंटली प्रिपेयर है कि हमारी नेता बहन जी है, नेता ही बीच में लिया जाता है, बाकी तो लोग सब साइड में रहते हैं। तो माननीय बहन जी को मंच के बीच में रखना ये बात प्रमाणित करता है कि आज देश इस बात को महसूस कर रहा है कि संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, और बीजेपी के आतंक से अगर इस देश को कोई बचा सकता है तो भारत की मजबूरी है और बहन कुमारी मायावती जरूरी है, ऐसा महसूस करते हैं सभी नेता। मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी समाज से, गरीब समाज से, अपने समाज से, कि साथियों आप लोगों ने बाबा साहब को खो दिया है, और आपको फिर समझाने के लिए काशीराम साहब आए, और आपने काशीराम को भी साहब को भी खो दिया है। अगर आपने बहन कुमारी मायावती को खो दिया तो आपके पास गुलामी के अलावा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि दुश्मन जो है वो बहुत ज़बरदस्त फ्राक में घूम रहा है कि इनको, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आप लोग यहाँ तक पहुँच पाए हो। ये तो ये है कि जिस समय बाबा साहब ने काम करना शुरू करा था आप लोगों के लिए, तो उस समय अंग्रेज थे यहाँ पर, आपको जो अधिकार जो लेने थे वो अंग्रेजों से लेने थे, तो उसके उनसे तो आपको मिल गए, लेकिन अगर एक बार अगर आपके अधिकार सारे के सारे छिन गए तो फिर ये लोग फिर से आपको अधिकार देने वाले नहीं हैं। ये आपके पास आखिरी मौका है। अब मुझे, मेरा मानना यह है कि 19 तक 18 में चुनाव ये तीनों स्टेटों में और 19 के लोकसभा के चुनाव में, ये आपके पास आखिरी मौका है। अगर इसमें आप चाहो तो बहन जी को अपना समर्थन दे करके, हर एक प्रकार से बहन जी का सपोर्ट करके, तन से, मन से, धन से, वोट से, हर चीज़ से, उनके आदेश का पालन करके आप चाहो तो अपने आप को बचा सकते हो, वरना दुश्मन बड़ ज़बरदस्त फ्राक में घूम रहा है, फिर आपके पास गुलामी के अलावा कुछ नहीं बचेगा, और फिर आप कई हज़ार वर्षों के लिए गुलाम फिर से बन जाओगे। ये आखिरी समय है। बहन जी महापुरुष हैं, बहन जी ने प्रूफ किया है, बहन जी का चेहरे का तेज बोलता है, कोई समझ ना पाए बात अलग है, लेकिन बहन जी के चेहरे का तेज बोलता है कि बहन जी महापुरुष हैं। बहन जी को आपने खो दिया तो फिर कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अब की बार छोटे मोटे संगठनों पंगठनों को सबको समाप्त करके एक मुश्त होकर के बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करो और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करो। युवाओं के लिए तो मैंने मुख्य पहले भी कहा था कि भाई हम लोग मुख्य रूप से रोज़गार के बारे में सोचते हैं, एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, लेकिन आज भारत की जो, जिनको हमने सत्ता में बिठा रखा है, वो एजुकेशन पे बहुत कम पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे ज़्यादा पैसा तो वो अंधविश्वास को बढ़ाने में खर्च कर रहे हैं। और आप लोग देखा होगा आपने सारे विभाग को प्राइवेट कर रहे हैं। प्राइवेट करने का मतलब है आरक्षण को समाप्त करना। प्राइवेट करने का मतलब है कि 50,000 का काम 5,000 में करवाना। जैसे हमारे, मैंने बताया था जयपुर के अंदर, मैंने अपने वाल्मीकि भाइयों को बताया था कि भाई जिस झाड़ू मारने के हमको पैसे मिलते थे 40,000, आज उसी को ठेके में ले जा करके इन लोगों ने हमारे नौजवान बच्चों को 4,000 रुपये में उसी काम को करने के लिए मजबूर कर दिया। महंगाई को ये लोग बढ़ाते जाते हैं और हमारे समाज के लोगों की आमदनी को घटाते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसी समय पे फिर से वापस पहुंच जाएं कि हम इन लोगों के घर में दो रोटी के बदले में काम करना है, तो इसलिए ये हमको वहीं पहुंचा देंगे। ना रोज़गार बचेगा, ना आरक्षण बचेगा आपका, ना आपके पास मान सम्मान बचेगा। इसमें तो SC ST OBC माइनॉरिटी सभी के लिए, मैं नौजवानों के लिए इस बात को कहना चाहता हूँ कि केवल नेता बहन जी हैं जो आपको रोज़गार भी देंगे, जो आपकी प्रॉब्लम है एजुकेशन पे सबसे बड़ा बजट बहन जी पास करती हैं, क्योंकि बहन जी बाबा साहब को और संविधान को मानती हैं। एजुकेशन के बारे में बाबा साहब ने भी कहा, संविधान भी कहता है। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है नौजवानों से कि केवल बहन जी को नेता स्वीकार कर लो, फिर आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है।